अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम ज़ियाउर रहमान है और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्राउंड लेटर्स। व्यूअर्स, आज के वीडियो में आप लोगों के लिए 10 मरला हाउस लेके आया हूँ जो अवेलेबल है सेल के लिए। इस घर की जितनी भी मालूमात है व्यूअर्स, प्राइस के हवाले से, इसका जो इनसाइड इंटीरियर डिज़ाइन का लेआउट प्लान वगैरह और बाकी जो दीगर जितनी भी मालूमात है, इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को आप लोग फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम रियल इस्टेट के हवाले से जितनी भी मुफीद वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। व्यूअर्स, करंटली मैं इस वक्त खूबसूरत 10 मल्ला ब्रांड न्यू हाउस के बिल्कुल सामने में मौजूद हूँ। ब्रांड न्यू तो घर को नहीं कहेंगे, स्लाइडली थोड़ा बहुत यूज्ड है, फ्यू डेज़ जो है घर व्यूअर्स ये यूज़ हुआ है, ऑलमोस्ट इसकी जो कंडीशन है वो नियर टू ब्रांड न्यू है। व्यूअर्स, लोकेशन की मैं बात करूं तो ये जो खूबसूरत घर है व्यूअर्स, ये पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में लोकेटेड है, इनके मेन प्रीमियम ब्लॉक में। घर की स्पेशलिटी ये है कि व्यूअर्स बिल्कुल राइट साइड पे जो है, यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टेरिस अपार्टमेंट्स का एक बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर जो है अपनी फिनिशिंग की तरफ जा रहा है, जो कि पार्क व्यू मैनेजमेंट खुद ही जो है इसको यहाँ पर डिज़ाइन एंड बिल्ड कर रही है। उसके बिल्कुल सामने व्यूअर्स यहाँ पर आपको ये खूबसूरत जो है 10 मतलब ब्रांड न्यू हाउस जो है यहाँ पर मिलेगा। स्ट्रीट व्यू की बात करूँ व्यूअर्स, तो काफ़ी वाइड स्ट्रीट है, यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी गली मिलेगी जो कि प्रॉपर एसफाल्ट और कारपेटेड है। घर के इनसाइड व्यूअर्स मूव करते हैं, इसका इनसाइड लेआउट देखते हैं। मुझे तो काफ़ी घर जो अंदर से काफ़ी पसंद आया, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। इस बात करें इसकी मेन बाहर जो पार्किंग रैंप की, तो टफ टाइल का काम आप देख सकते हैं, वो इसमें टफ टाइल का काम हुआ है। लैंडस्केप की बात करें लेफ्ट साइड व्यूअर्स, यहाँ पे एक्सटीरियर लॉन जो है उसके यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड की गई है, इसको थोड़ा बहुत मेंटेन करना बाकी है। बाकी यहाँ पे ये है कि इसकी साइज़ की बात करें तो काफ़ी बड़ा लॉन जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रेलिंग गेट जो है आपको व्यूअर्स यहाँ पे आपको बाहर मिलेगा, जिसमें मुझे जो इसका जो कलर है वो बड़ा रस्टी टाइप का कलर इन्होंने इस पर यूज़ किया हुआ है। बीच में जो है इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो है उसके बीच में एक पैच जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, काफ़ी जो है एक मॉडर्न लुक प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे घर के अंदर आप इनसाइड मूव करते हैं तो व्यूअर्स यहाँ पे आपको एक काफ़ी एक बड़ा जो है मेन इसकी कार पार्किंग स्पेस मिलती है। अगर 10 मरले के हिसाब से इतनी बड़ी स्पेस व्यूअर्स आपको अगर मिलेगी तो पार्क व्यू के ही घरों में मिलेगी संभावना, चूँकि यहाँ पे जो इनका जो सोसाइटी के अपने जो बायलॉज हैं घरों के हवाले से वो काफ़ी जो है वो एंड यूज़र फ्रेंडली है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो लेफ्ट साइड पर आप एक गाड़ी जो है ना, बल्कि बड़ी गाड़ी जो मेरे हिसाब से यहाँ पर पार्क कर सकते हैं, और राइट साइड पर तो व्यूअर्स यहाँ पर ईजिली दो गाड़ियाँ जो है वो पार्क हो सकती हैं। छोटी गाड़ियाँ अगर आप पार्क करेंगे तो मेरे हिसाब से इस घर में इजीली आप 4 गाड़ियाँ जो है वो अकोमोडेट कर सकते हैं। वाटर टैंक जो है उस साइड पे वहाँ पे उसकी स्पेस प्रोवाइड की गई है, और इसी तरह एज़ पर पार्क सिटी के बाईलॉस राइट साइड पे आपको जो है 5 फुट की गली मिलेगी, जो कि बैक साइड पर एक्सटेंड हुई हुई है, जहाँ पर लॉन्ड्री के लिए आपको 10 फुट की जो गली है वो प्रोवाइड की गई है। बस घर के मेन एंट्रेंस से हम मूव करेंगे, ये चीज़ घर का मेन ग्रैंड एंट्रेंस है। आप सबसे पहले इसका जो है वुड वर्क का काम देखें, तो वुड वर्क जो है व्यूअर्स इन्होंने मालिक ने जो है इसको जिस हद तक वो इसको खालिस या जेन्युइन रख सकते थे इन्होंने रखा है। आप देख सकते हैं इन्होंने पॉलिश का जो काम किया वो भी जिस तरह वुड का अपना एक कलर होता है उसको इन्होंने जो है यहाँ पे मेंटेन किया, उसको ख़राब नहीं किया हुआ। वुड वर्क घर में काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का हुआ है। इनसाइड मूव करते हैं व्यूअर्स, ये घर का मेन जो है टीवी लाउंज की स्पेस है। टीवी लाउंज देखें जी व्यूअर्स, काफ़ी इन्होंने इसको अच्छे तरीके से, डिसेंट तरीके से इन्होंने इसको जो है डिज़ाइन किया हुआ है। बिल्कुल सामने मेन मीडिया वॉल की स्पेस है, मीडिया कंसोल जो है वो बीच में वो प्रोवाइड किया गया है। सीलिंग का काम देखें तो सिंपल एंड डिसेंट, आपको वार्म लाइट जो है आपको इसके सीलिंग को सराउंड करिए, बीच में 3D पैचेस जो है वो दिए गए हैं। स्पॉट लाइट का काम हुआ है, वो शेंडलियर जो है बीच में आपको मिलेगा। लेफ्ट साइड पर वेंटिलेशन की विंडो है जिसमें सिक्योरिटी ग्रिलिंग हुई हुई है, और एक्सट्रीम राइट साइड पे व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये सामने जो है डाइनिंग की स्पेस है, और एक्सट्रीम लेफ्ट पे हम देखें तो यहाँ पे आपको मेन ड्राइंग रूम की स्पेस मिलेगी। ड्राइंग रूम में एंटर होते हैं, इधर से ही हम इसका डाइनिंग भी देखेंगे व्यूअर्स। डाइनिंग ड्राइंग रूम हम एंटर हो चुके हैं, एक सिंपल एंड डिसेंट इसका ड्राइंग रूम आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको एक विंडो मिलेगी जिससे आपको फ्रंट गैलरी का व्यू दिया गया है। सीलिंग का काम आप देखें तो सीलिंग में अगेन यहाँ पे वार्म लाइट का यूज़ किया गया है, 2 शैंडलियर्स आपको बीच में मिलेंगे, बीच में एक फ़ैन की सहूलत मौजूद है, और एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे व्यूअर्स यहाँ पे आपको डाइनिंग की एक सेपरेट डेडिकेटेड स्पेस मिलेगी, जहाँ पे इजीली आप जो है घर में यहाँ बैठ के अपनी जो डाइनिंग जो है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। डाइनिंग के लिए उन्होंने साथ में आपको व्यूअर्स यहाँ पर बिल्कुल सामने जो है ये भी आपको यहाँ पे कुछ कैबिनेट्स प्रोवाइड किए गए हैं, अगर आप लोग कुछ टेम्परेरी कुछ यहाँ पे किसी चीज़ को स्टोर करना चाहें, बाकी चीज़ें आपने अगर यहाँ पे रखनी हो तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे ये कैपेसिटी दी गई है। बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट साइड व्यूअर्स यहाँ पे इसका एक अटैच वॉशरूम है, मैं लाइट्स वगैरह ऑन कर देता हूँ। तो ये जी इसका वॉशरूम जो है उसको अगेन यहाँ पे जो इसमें टाइलिंग का काम हुआ है वो इम्पोर्टेड टाइलिंग जो है थ्रू आउट इसमें इंस्टॉल की गई है।
व्यूअर्स, मेन इस डोर से हम अब बाहर निकलेंगे। डाइनिंग के स्पेस हम बाहर आ चुके हैं, टीवी लॉन्च ऑलरेडी आप लोगों में दिखा चुका हूँ। व्यूअर्स, ये राइट साइड पे जो है इसका एक घर का क्लोज किचन जो है यहाँ पे ये प्रोवाइड किया गया है, और एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे जो है यहाँ पे आपको घर का ब्रेकफास्ट मिलेगा। किचन इसका विजिट कर लेते हैं। किचन में जो आपको मेन यहाँ पे चीज़ें नज़र आएंगी, बीच में आपको एक डेडिकेटेड जो है यहाँ पे ये स्पेस प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे बिल्कुल सामने जो है एक काउंटर टॉप जो है मार्बल ग्रेनाइट का, काफ़ी महंगा जो है यहाँ पे टेबल काउंटर टॉप जो है वो इंस्टॉल किया गया है। लोअर कैबिनेट्स आप इस किचन के देखें तो बड़े डिसेंट कलर इन्होंने यूज़ किया है। ऊपर काउंटर टॉप जो है वो डार्क ग्रीन कलर का है, और इसके का नीचे लोअर कैबिनेट्स, सामने जो है वेंटिलेशन विंडो भी दी गई है। फ्रंट आप इसके ऊपर के अपर कैबिनेट्स देख लें, वो भी अगेन अच्छी क्वालिटी की यूवी शीट जो है वो यहाँ पे यूज़ की गई हैं। और बिल्कुल सामने व्यूअर्स जो है वो रेंज हुड है, और बॉटम पे जो है बर्नर की स्पेस है। किचन ओवरऑल स्पेशियस भी है, आप देख सकते हैं स्पेस काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे इजीली जो है आप सारी अपनी किचन की ज़रूरियात जो है वो यहाँ पे पूरे कर सकते हैं। विंडो जो राइट साइड पे जो व्यूअर्स यहाँ पे डोर प्रोवाइड किया गया, ये डोर आपको अगेन साइड गैलरी और इधर से ही आप जो है बैक लॉन्ड्री स्पेस को आप एक्सेस कर सकते हैं। बेडरूम को विजिट कर लेते हैं व्यूअर्स। ये घर का बेड है, बेड की मैं बात करूँ तो 10 मरले के हिसाब से बेड जो है वो स्पेस वाइज ठीक है, काफ़ी बेहतर है मेरे हिसाब से। यहाँ पे मास्टर बेड की जितनी भी फिटिंग्स है और अकोमोडेशन है वो यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। सेलिंग का काम देखें तो वार्म लाइट जो है वो यूज़ की गई है। राइट साइड पे वेंटिलेशन विंडो अवेलेबल है जिसमें सिक्योरिटी ग्रिलिंग हुई हुई है, और इसी तरह एक्सट्रीम लेफ्ट पे सामने आप देख सकते हैं व्यूअर्स ये इसका अटैच वॉशरूम। वॉशरूम में देखेंगे तो सामने टू टोन कलर में टाइलिंग का काम हुआ हुआ है। आप फ्लोरिंग देखें तो फ्लोरिंग अगेन यहाँ पे अच्छी जो टाइलिंग है वो यूज़ की गई है। लेफ्ट साइड पे जो है व्यूअर्स यहाँ पे वेंटी की स्पेस है, और राइट साइड पे वेंटिलेशन विंडो जो है वो मिलेगी जिसके बिल्कुल ऊपर जो है आपको एग्जॉस्ट की अवेलेबिलिटी आपको नज़र आएगी। व्यूअर्स, यहाँ तक इस घर का ओवरऑल ग्राउंड फ्लोर का विजिट जो है वो कम्प्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसका ग्राउंड फ्लोर काफ़ी अच्छा लगा होगा। इधर से हम इस घर के फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलेंगे, और रिमेनिंग जो अकोमोडेशन जो है वो हम इसी वीडियो के ज़रिए से हम इसमें देखेंगे। व्यूअर्स, ये फर्स्ट फ्लोर का स्टेयर केस का काम है, आप इसमें देखें इन्होंने यहाँ पे जो पाकिस्तान के जो कल्चर को जो है वो यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। स्पेशल जो हमारा बलोची सिंधी कल्चर है उसका जो आर्ट वर्क है वो आपके यहाँ को स्टेप्स में मिलेगा। मार्बल ग्रेनाइट के स्टेप्स जो है वो इंस्टॉल किए गए। राइट साइड पे व्यूअर्स यहाँ पे स्टेनलेस स्टील की ग्रिलिंग हुई हुई है, और फर्दर मैं बात करूँ इनसाइड जैसे ऊपर हम चलेंगे तो ये जो स्टेयर्स है सीधा हमें घर के फर्स्ट फ्लोर का एक्सेस प्रोवाइड कर रही है। व्यूअर्स, ये हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच चुके हैं, मेन इसकी लॉबी की स्पेस है। ये जो घर है इसके फर्स्ट फ्लोर में यहाँ पे व्यूअर्स आपको 3 बेडरूम्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे जो व्यूअर्स घर का बेड फर्स्ट है, बिल्कुल राइट साइड पे इसका सेकंड बेड है, और फर्दर जो है इस साइड पे आगे जाके जो है हमारा घर का थर्ड बेड है। पहले इस बेड से शुरुआत हम कर लेते हैं। ये जी इसका बेड देख लें आप, सेम एज़ ग्राउंड फ्लोर मुझे उतने ही स्पेशियस लग रहा है। थोड़ी लाइट का काम जो है यहाँ पर कम है, शायद मैं लगाना भूल गया था। बाकी ये है कि इसी तरह आपको ये जो विंडो अवेलेबल है यहाँ से आप इसकी बैक गैलरी को एक्सेस कर सकते हैं। बैक गैलरी भी देखें तो अच्छी गली व्यूअर्स यहाँ पे 10 फुट की गली है, जहाँ पे आप मल्टीपल पर्पज़ के इसको यूज़ भी कर सकते हैं, अपनी रिक्रिएशनल के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अटैच वॉशरूम जो है सामने आपको इस रूम के साथ मिल जाएगा। व्यूअर्स, इसका ये सेकेंड लास्ट बेड जो है हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो इस बेड में व्यूअर्स सेम एज़ प्रीवियस बेड, यहाँ पे आपको जो है वुड टेक्सचर की फ्लोरिंग का काम मिलेगा। ये राइट साइड पे जो है वेंटिलेशन विंडो अवेलेबल है, और इसी तरह आपको पूरे रूम में जो वाइट वॉश का जो काम है वो मिलेगा, और 3D सीलिंग जो है इस रूम में यहाँ पे इंस्टॉल की गई है। व्यूअर्स, ये प्रॉपर इसका डेडिकेटेड ड्रेसिंग की स्पेस है। राइट साइड पे जो है मिरर वर्क के साथ आपको ड्रेसिंग यहाँ पे कुछ यहाँ पे शेल्व्स दिए गए हैं, और लेफ्ट साइड पे ड्रेसिंग कबर्ड दी गई है जो कि सीलिंग तक एक्सटेंड हुई हुई है। अटैच वॉशरूम जी उसके साथ आपको ये रूम मिलेगा। आप इसका जो है टू टोन कलर में टाइल वर्क का काम देखें, और वेंटी की स्पेस जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। इसी डोर के बैक साइड व्यूअर्स यहाँ पे कबर्ड जो है वो दिया गया है। व्यूअर्स, यहाँ तक जो है हमने इस घर के ऑलमोस्ट जो है ओवरऑल इसके अकोमोडेशन वगैरह देख ली हैं। अब लास्ट में सिर्फ हमारे किचन का काम विजिट रह गया, और इसका जो बेड है वो हम देख लेते हैं। व्यूअर्स, ये सामने देख सकते हैं घर का लास्ट बेड, इसके अंदर हम मूव करते हैं। ये जी घर का लास्ट बेड है, काफ़ी बड़ा बेड है। यहाँ से आप जो है आपको जो फ्रंट गैलरी है उसका एक्सेस भी जो है इस रूम के ज़रिए से मिल जाएगा आपको। और फर्दर एक अच्छी बात मुझे रूम पर्सनली इसे पसंद आया, एक तो बिल्कुल फ्रंट साइड वैसे ही रूम जो है मुझे काफ़ी पर्सनली मैं लाइक करता हूँ इनको। उसकी रीज़न ये थी कि एक तो उनका स्पेस काफ़ी स्पेशियस होते हैं, फर्दर जो है व्यूअर्स यहाँ पे आपको जो है एक व्यू जो है आप इंजॉय कर सकते हैं। यदि सामने इसकी मेन जो है टेरेस है फ्रंट गैलरी, यहाँ से आप बैठ के व्यूअर्स बिल्कुल सामने जो है वो देख सकते हैं। टेरेस अपार्टमेंट जब कल इंशाल्लाह यहाँ पे बन जाएंगे तो एक ज़बरदस्त व्यू जो है यहाँ से आपको मिलेगा। प्रॉपर एक जगह काफ़ी रोशन होगी,
और साथ ही साथ जो है एक अच्छा जो है यहाँ पे आपका टाइम जो है गुजर जाया करेगा। यहाँ पे बस यहाँ पे अगेन इस रूम में भी डेडिकेटेड जो है ड्रेसिंग की स्पेस दी गई है। राइट साइड पे ये कबर्ड्स प्रोवाइड किए गए, शेल्व्स हैं, ड्रेसिंग की कबर्ड है, और एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे आपको इसका वॉशरूम मिलेगा जिसमें टू टोन कलर के साथ टाइल वर्क का काम हुआ है। व्यूअर्स, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको ओवरऑल घर का विजिट काफ़ी अच्छा लगा होगा। इस घर के हवाले से अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, इस प्रॉपर्टी को आप लोग विजिट करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन है, उन नंबर्स के जरिए से आप रब्ता करके घर का विजिट आप अरेंज कर सकते हैं। व्यूअर्स, लास्ट में जो है मैं बताता चलता हूँ, ये जो है एक सेपरेट जो है आपको रूम दिया गया है। इस रूम को चूंकि घर में किचन तो नॉर्मली इस घर में वैसे एक है नीचे ग्राउंड फ्लोर में, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप इस घर को अपने नाम पर ट्रांसफ़र कराने के बाद जो है इसमें अगर आप फर्दर कोई किचन फर्स्ट फ्लोर में बनाना चाहते हैं, या इसको आप स्टडी एरिया या प्रेयर रूम के रूम के तौर पर आप रखना चाहते हैं, तो इस स्पेस को आप अपने हिसाब से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, यहाँ से मैं अब आप लोगों को घर के रूफ टॉप की तरफ लेके चल रहा हूँ और घर के डिमांड वगैरह हम अब डिस्कस करेंगे। ये व्यूअर्स रूफ टॉप का इन साइड की स्पेस है। लेफ्ट साइड पे जो है यहाँ पे व्यूअर्स ये मैं लाइट ऑन करने की कोशिश करता हूँ जी। तो व्यूअर्स ये लेफ्ट साइड पे सर्वेंट क्वार्टर जो है ये आपको दिया गया घर के अंदर। राइट साइड पे जी सर्वेंट के लिए यहाँ पे जो है इन्होंने प्रॉपर एक वॉशरूम जो है वो भी इसकी भी स्पेस दी हुई है अटैच वॉशरूम के साथ। और इसी तरह जो है सर्वेंट को जो है अगेन यहाँ पे आप दो डोर से एक्सेस कर सकते हैं, लेफ्ट साइड वाले डोर से भी एक्सेस कर सकते हैं, और बिल्कुल राइट साइड पे जो घर के रूफ टॉप का मेन डोर है उससे भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ये शायद लॉक है, मैं कोशिश करूँगा दूसरे डोर से हमें एक्सेस मिल जाए। तो हाँ जी, यहाँ से व्यूअर्स इसको अब हम एक्सेस करेंगे। व्यूअर्स, इस घर के रूफ टॉप की तरफ मैं पहुँच चुका हूँ। मैं आपको एक दफ़ा 360 व्यू दे देता हूँ, उसके बाद हम घर के डिमांड को डिस्कस करेंगे जी। तो व्यूअर्स ये 360 व्यू आप देख लें इसके रूफ टॉप का। राइट साइड पर जी वाटर टैंक वगैरह, ममटी वगैरह की स्पेस। व्यूअर्स, घर के डिमांड की तरफ आप मूव करते हैं। ये जो घर है व्यूअर्स, ये 10 मरले प्लॉट पर कंस्ट्रक्ट किया गया है, और इसकी जो डिमांड मालिक कर रहे हैं वो है 4,35,00,000। अब डिमांड जो है व्यूअर्स देखा जाए तो 10 मरले के जो घर है नॉर्मली यहाँ पे वैसे काफ़ी महंगे हैं, अक्सर घर जो 4.5 करोड़ प्लस में मिलेंगे। लेकिन चूँकि ये थोड़ा बिल्कुल आप कह सकते हैं कि स्लाइटली यूज्ड घर है, और उस हिसाब से डिमांड देखें तो फर्दर स्लाइट यूज़ घरों के हिसाब से भी इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी बेहतर है। व्यूअर्स, ये घर आप लोग अगर इसको इस घर को अपने रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए ख़रीदना चाहते हैं तब ये घर काफ़ी बेहतर है, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इससे घर बेहतर है। जैसे कि वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ, बिल्कुल सामने टेरिस अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। इनका फ्यूचर जो है, इस घर का जो फ्यूचर है इन अपार्टमेंट की वजह से जो है वो काफ़ी एक मेरे हिसाब से काफ़ी वैल्यू रखता है। जैसे इंशाल्लाह कल यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो इसका जो इम्पैक्ट है वो लाजमी जो है इन घरों के ऊपर भी आएगा। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। लास्ट में मैं जो है इस घर के की फीचर्स को दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। 10 मरले प्लॉट पे इस घर को कंस्ट्रक्ट किया गया है। पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद जो है वो इस घर की लोकेशन है। और घर में अगर अकोमोडेशन की बात करूँ तो एक बेड इसके ग्राउंड फ्लोर में है। इसी तरह जो 3 बेडरूम्स हैं वो आपको फर्स्ट फ्लोर में मिलेंगे। साथ ही साथ अगर मैं घर में बात करूँ किचन की, तो एक किचन आपको ग्राउंड फ्लोर में मिलेगा। घर में प्रेयर स्टडी एरिया की स्पेस दी गई है, और साथ ही साथ आपको 2 बड़े हॉल्स मिलेंगे। और हॉल्स के साथ ही व्यूअर्स आपको यहाँ पे जो फ्रंट और बैक गैलरी जो है काफ़ी बड़ी गैलरी जो है वो यहाँ पे दी गई है। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं इस वीडियो का एंड करूँगा। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, तब तक अल्लाह हाफिज़।